दोस्तों नमस्कार, मैं मोहम्मद नवसार, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल MN40 Unblocks में। दोस्त आज कुछ पॉइंट पर बात करेंगे पोल्ट्री से रिलेटेड, वह है FCR और FCR क्या होता है, इसे कैसे निकाला जाता है और क्यों निकालना ज़रूरी है, और इसके FCR के बारे में मालूम होना हर फार्मर को ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको FCR के बारे में जानकारी नहीं है तो आपका फार्म का जो रिजल्ट होगा वह गड़बड़ा जाएगा और आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं होगा। बहुत सारे नए फार्मर क्या करते हैं, दाना लाए जाते हैं और खिलाते रहते हैं और जितना मन उतना खिला देते हैं, वजन आता नहीं है, जिससे उसको लगता है कि ज़्यादा पोल्ट्री में ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो आपको FCR मेंटेन करना है, और आपका FCR अगर मेंटेन है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट फार्म से, पोल्ट्री फार्म से होते हैं। तो आइए सीखते हैं कि FCR क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। FCR का फुल फॉर्म होता है फीड कंजम्पशन रेशियो, आपका जो बर्ड है वो कितना फीड खाया है और कितना वजन दिया है, वही होता है FCR। तो FCR निकालने का जो फॉर्मूला है वो है टोटल फीड कंज्यूम बटे टोटल चिकन वेट, यानी कि आपका जो चिक्स है वो कितना फीड खाया है और कितना वजन दिया है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने फार्म के बारे में बताता हूँ, तो जैसे कि मेरा फार्म का आज 27वां दिन है और मेरे फार्म में 3200 चिक्स आए थे, तो 3200 चिक्स आए थे जिसमें से 125 की जो मोर्टेलिटी हो गई है, तो चिक्स बचा मेरा 3075, और जो मेरा फीड अभी तक जो चिक्स खाए हैं वो है 85 बैग, और एक बैग का वजन है 60 kg, एक बैग का वजन है 60 kg, तो 85 × 60 अगर आप करते हैं तो 5100 kg ये आपका फीड हो गया, और आपका चिक्स हो गया 3200 में 100 मोर्टेलिटी, 125 मोर्टेलिटी होगी तो 3075। अब हमको चाहिए एवरेज वेट, चिक्स का आज कितना एवरेज वेट है, अगर वो मालूम हो जाए तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, टोटल चिक्स का वजन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि मेरा चिक्स का वजन कितना है। दोस्तों अब चिक्स को बोरा में डाल रहे हैं और इससे वजन करने में आसानी होती है, और मैं बोरा में 5 चिक्स को डालूंगा और 5 चिक्स का मैं एवरेज वेट निकालूंगा। तो आइए देखते हैं कि कितना होता है एवरेज वेट। तो बोरा में चिक्स को डाल रहे हैं और कुछ चिक्स डाले हैं और कुछ चिक्स को डाल रहे हैं। तो 4 चिक्स डाल दिए हैं और 1 चिक्स को डालते हैं और 5 चिक्स डाल दिए हैं इसमें, और आइए इसका वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं 6 kg 300 g है और 5 चिक्स का वजन है, और 5 चिक्स को 6 kg 300 डिवाइड कर देंगे तो 1 kg 260 g एवरेज वेट। जैसा कि दोस्त आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि मेरा चिक्स का जो एवरेज वेट है वो है 1.26 kg, 1.26 kg। आइए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं अगर 3075 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.26 kg तो आता है 3874.5। तो मैं इसको 1.26 3874.5 मैं 75 मान लेते हैं, तो ये 3875 kg हो गया चिकन का वेट। तो अब जो हम FCR निकालेंगे वो है टोटल फीड कंज्यूम, टोटल फीड कितना कंज्यूम किया है 5100 kg, और टोटल वेट कितना आया है 3875। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5100 / 3875, तो 1.316। ये मेरे चिक्स का FCR है 27वें दिन का, और ये FCR बहुत अच्छा FCR होता है, और कल जो मेरा सोना कंपनी से जो है कॉन्ट्रैक्ट है तो उसका जो FCR अभी मांगा जाता है 1.75, जो कि अच्छा FCR होता है। तो 1.31 अभी FCR है, और अभी जो चिक्स 27 दिन का हुए हैं, तो अब जो ये दाना ज़्यादा उठाएंगे तो 1.5 तक FCR या 1.6 तक जाएगा, जो कि अच्छा है, ए ग्रेड का FCR होता है। तो ये FCR जो आप आया 1.31, ये क्या है, ये है आपका FCR है पर केजी में आपका ये FCR आता है, क्योंकि आपका टोटल वेट आ गया यहाँ, तो
1 kg जो आपका मुर्गी का वेट है, ये हुआ है पर केजी। 1 kg मुर्गी का जो वजन आपका आया है 1.316, यानी कि आपका जो 1 kg मुर्गा का वेट हुआ है वो कितना दाना खाता है, 1.316 kg। ठीक है, तो ये ऐसे FCR निकाला जाता है और ये FCR निकालना बहुत आसान है। तो जितने भी फार्मर भाई है सबको FCR के बारे में मालूम होना चाहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूल।